योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। योग निद्रा के इस आनंदमयी यात्रा में मैं मधु चौधरी आपके साथ रहूंगी। योग निद्रा का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह के वक्त, योगाभ्यास के बाद, या फिर रात को सोने से पहले। सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास आपकी नींद की क्वालिटी में बहुत सुधार करता है। अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो इस योग निद्रा का अनुभव एक बार ज़रूर करें। आराम से अपनी पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। योग निद्रा के वक्त आपको कुछ नहीं करना है, ना कहीं ध्यान लगाना है, ना कहीं फोकस करना है। सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और जैसा जैसा करने को कहा जाए करते जाएं। मेरे निर्देशों का विश्लेषण ना करें, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क को आराम नहीं दे पाएंगे। सिर्फ निर्देशों का पालन करें, पूरा विश्राम और कुछ न सोचें, सिर्फ आवाज सुनना और करते जाना। मन में अगर कोई विचार आते हैं तो आने दें। बस निर्देशों का पालन करते जाएं। पूरी तरह से शांत हो जाएं। हो सकता है कहीं कुछ सुनना रह जाए तो चिंता ना करें, छोड़ दें और अगले निर्देश को सुनें। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सोना नहीं है, सजग रहकर लगातार मेरी आवाज़ को सुनते रहें। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आराम से लेटा हुआ हूँ। मेरे पैर एक दूसरे से दूर दूर हैं। मेरे हाथ शरीर से दूर है। हथेलियाँ आसमान की ओर खुली हुई हैं। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। पूरे अभ्यास के दौरान मैं सोऊंगा नहीं। हर निर्देश का पालन करने की कोशिश करूंगा। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ
पूरे शरीर में आराम के एहसास को महसूस करें। एक और बार लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब आप और भी अच्छा और हल्का महसूस कर रहे हैं। दिन भर की थकान इन सांसों के साथ बाहर जा रही है। हर सांस के साथ शरीर को और रिलैक्स करते जाएं। अब आप मन ही मन एक संकल्प लें। यह संकल्प कोई साधारण संकल्प नहीं है। ऐसा संकल्प लें जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आप जीवन से चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। अपने संकल्प को एकदम सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएं। संकल्प को पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहराएं। ये मेरा निजी अनुभव है कि योग निद्रा के समय किए गए संकल्प अवश्य ही पूरे होते हैं, फलीभूत होते हैं। अब आप अपना ध्यान शरीर के अंगों की तरफ ले जाएंगे। मेरी आवाज़ सुनते रहें। मैं जिस अंग का नाम लूँ, उस नाम को आप भी मन ही मन दोहराएं। उस भाग का चित्र अपने मानस पटल पर देखें, यानी आपकी आंखों के सामने जो काला पर्दा है, उस पर्दे पर उस अंग का चित्र देखें और उस अंग को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान शरीर के दाएं भाग पर ले जाएं। अपने दाएं हाथ के प्रति सजग हो जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाई कमर, दाया नितंब, दाई जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, दाई एड़ी, तलवा, दाया पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। शरीर का पूरा दायां भाग एकदम शिथिल, ढीला छोड़ दें। अब ध्यान बाएं हाथ की तरफ ले जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली,
चौथी उंगली हथेली, हथेली के पीछे का भाग कलाई, कोहनी, नीचे की भुजा, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, बाई कमर, बाया नितंब, जांग, घुटना, पिंडली, टखना, बाई एड़ी, तलवा, बाई पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान पीठ की तरफ ले जाएं। पूरी पीठ, पीठ का दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा, पूरी रीढ़ की हड्डी, सिर का ऊपरी भाग, माथा, बाई भौं, दाई भौं, दोनों भौं के बीच का स्थान, दोनों आँख, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, नाक का सबसे आगे का हिस्सा, होठ, ठुड्डी, गला, छाती, पेट, पूरा शरीर। एक बार फिर से अपनी चेतना को जल्दी जल्दी शरीर के हर अंग की तरफ ले जाएंगे। पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा बायां हाथ, पूरा दायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, दोनों नितंब, रीढ़ की हड्डी, कंधों के पीछे का भाग, कंधों के सामने का भाग, पेट, छाती, पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग, पूरा पीछे का भाग, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। मन की आँखों से अपने आप को आराम करते हुए देखें। आप लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। जागरूक बने रहें, मन ही मन दोहराएं, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स और ढीला हो गया है। इस रिलैक्सेशन के कारण शरीर में भारीपन आता जा रहा है। महसूस करें, आपका पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। शरीर का हर भाग, हर अंग इतना भारी हो चुका है कि आप चाहकर भी अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं। महसूस करें, दाएं पैर में आ रहे भारीपन को पूरा बायां पैर भारी होता जा रहा है। दायां हाथ और बायां हाथ भारी होते जा रहे हैं।
पूरा धड़, सिर, गर्दन, पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। इतना भारी कि आपका शरीर जमीन में धंसता जा रहा है। महसूस करें, शरीर के साथ साथ आपके सारे तनाव और चिंताएं भी जमीन में गहरे धंसते जा रहे हैं। आपके सारे रोग, सारी परेशानियां जमीन में गहरी जाती जा रही हैं। अब आप एकदम स्वस्थ और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। महसूस करें पूरे शरीर में आ रहे हल्केपन को। शरीर का हर अंग रुई के फोए के समान हल्का होता जा रहा है। चेतना को दाएं पैर पर ले जाएं। पूरे दाएं पैर में हल्केपन को महसूस करें। पूरा बायां पैर, दायां हाथ, बायां हाथ, पीठ, छाती, पेट, सिर, पूरा शरीर महसूस करें। पूरा शरीर हवा की तरह हल्का हो चुका है और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता जा रहा है। अपने मानस पटल पर अपने आप को खुले आसमान में एक पंछी की तरह उड़ते हुए देखें। ऊपर से आप हर दृश्य को अच्छे से देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। आप एक सुंदर नीले समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। नीले समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। देखें समुद्र में उठती और गिरती लहरों को। समुद्र में जा रहे पानी के जहाज को। सूरज की किरणों से चमकते समुद्र के पानी को देखें। उड़ते जाएं, मन को खुला छोड़ दें। विचरण करने दें पूरे ब्रह्मांड में। अब आप एक बर्फ से ढके पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे हैं। सफेद चमकती हुई बर्फ का पहाड़। ठंडी और बर्फीली हवा का झोंका आपके शरीर तक पहुंच रहा है। महसूस करें इस ठंडक को। शरीर में ठंडक की
सिहरन को महसूस करें। अब आप एक सुंदर बगीचे के ऊपर से गुजर रहे हैं। देखें दूर दूर तक फैली हरी घास को। रंग बिरंगे फूलों को पेड़ पौधों को चहचहाते हुए पक्षियों को देखें। एक चिड़िया अपनी चोंच से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। एक तालाब में बतख तैर रही है। देखें अपने मानस पटल पर अपने आप को उस तालाब के पास खड़े हुए। सुंदर निर्मल जल से भरा तालाब और उसके किनारे पर खड़े हुए आप। इस तालाब के किनारे तक जाने के लिए 10 सीढ़ियां बनी हैं। आप एक एक कर इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। अब हम 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करेंगे और एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे। 10। अपने आप को 10वीं सीढ़ी पर खड़े देखें। यहाँ आकर आपके शरीर से सारी थकान दूर होती जा रही है। नौ। अपने आप को नवी सीढ़ी पर खड़े हुए देखें। आपके मन के सारे तनाव दूर हो रहे हैं। आठ। अब आप 8वीं सीढ़ी पर आ चुके हैं। यहाँ आकर आपके शरीर और मन के सारे दर्द खत्म होते जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ मानो आपका अवचेतन मन है। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अपने अवचेतन मन में गहरे उतरते जा रहे हैं। महसूस करें। सात। अब आप 7वीं सीढ़ी पर हैं। आपके शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। आपके सारे रोग दूर हो रहे हैं। छह। आपके मन के सारे डर दूर हो रहे हैं। पांच। अब आप एकदम हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं।
चार। अब आप तनाव से मुक्त हैं। तीन, आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। दो, आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। एक, इस पहली सीढ़ी पर आप अपने अवचेतन मन के सबसे गहरे स्तर पर आ चुके हैं। जहाँ ना कोई डर है, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना किसी रोग का भय है, तो सिर्फ और सिर्फ शांति। इस शांति को महसूस करें। इस शांत अवस्था में योग निद्रा की शुरुआत में किए गए संकल्प को दोहराएं। वही संकल्प शब्दों को ना बदलें, बिल्कुल वैसा का वैसा दोहराएं पूरे आत्मविश्वास के साथ। तीन बार कहें। फिर से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ पूरे शरीर में आराम के एहसास को महसूस करें। एक और बार लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। अपनी गर्दन को हिलाएं, कंधों को हल्का सा हिलाएं। धीरे से बाईं तरफ करवट ले लें। अगर आप सोना चाहते हैं तो इसी अवस्था में सो सकते हैं। अगर उठने का मन है तो धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें और इस योग निद्रा से अपने आप में आए बदलाव को महसूस करें। हथेलियों को आपस में मलें और धीरे से अपनी आंखों पर रख दें। एक और बार हथेलियों को आपस में मलें
और हाथों को पूरे शरीर पर रखें। धीरे धीरे जब आपका मन हो, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दें। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ। नमस्कार।